राइट टू एजुकेशन, सिक्ख्या दा अधिकार संविधान दे विच सानू मिलिया, लेकिन सिक्ख्या दे अधिकार तो किते ना किते जो साडे बच्चे ने वांझे नहीं रह जाने, इसलिए पंजाब सरकार दे वलों पूरी कोशिश की गई कि चाहे करोना काल है चाहे लॉकडाउन है लेकिन बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी, बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी, घर बैठ के ऑनलाइन सिक्ख्या उन्होंने मिलती रहेगी और मिलती भी रही है। लेकिन इस सब के दरमियान रेड़का उस वेले बनिया जदों पंजाब के निजी स्कूलों के वलों फीस वसूलन की कवायद दे लई जो ने नोटिफिकेशन पेरेंट्स नू लगातार भेजने शुरू कर दिते गए, मोबाइल के जरिए मेल के जरिए नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। उस तो बाद पेरेंट्स दे वलों ये गुहार लगाई गई, प्रदर्शन भी किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीनों तो कारोबार ठप पे ने, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बच्चों दी फीसां वो कितों देंगे किमें देंगे। अजिहे दे विच प्रावधान पंजाब सरकार दे वलों लिया गया कि सिर्फ ट्यूशन फीस बच्चों के मापियां नूं देनी होएगी, बाकी कोई होर फीस नहीं देनी पएगी, सिर्फ ट्यूशन फीस देनी होएगी। लेकिन जदों स्कूल प्रबंधन जो है फिर पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया तो आदेश जारी होया है कि कुल फीस का 70% जो है बच्चों दी फीसा के तौर पर वसूलिया जा सकता है। लेकिन मापे फिर परेशान, मापे फिर परेशान कि सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं। तो पंजाब सरकार ने फिर सार ली, बच्चों के मापियां की सार ली, हाई कोर्ट का फिर रुख किया, चुनौती दी गई हाई कोर्ट के उस आदेश नूं। हाई कोर्ट दे वलों एक बार फिर तो हुण निर्देश, एक बार फिर तो निर्देश यही कि मिल बैठ के मसला सुलझा लो, स्कूल प्रशासन, बच्चों के मापियां के वकील, सिक्ख्या मंत्री, सिक्ख्या सकत्तर मिल बैठ के मसला सुलझाउण, मिल बैठ के मसला सुलझाउण, कोई हल कढ लैण। ता रेड़का जो लगातार फीसां दा बनिया होया हल किवें निकलेगा, लगातार रैपिड मीटिंग्स चल रही ने। आज दी मीटिंग दे विच वी की होया इसी भी जानकारी लवांगे कि होर अगे मीटिंग्स जारी रहणगियां और कि सिट्टे तक पहुँच पाणगियां, इससे चर्चा करांगे कि आखिरकार स्कूल प्रबंधना दे वलों क्यों बच्चों दीआं फीसां दा बोझ मापियां दे सिर ते पाया जा रहा है। साडे नाल साडे मेहमान भी जुड़े होणगे, चर्चा करांगे फीसां दे रेड़के ते। अज दो मीटिंग हुई, एक सवेरे मीटिंग हुई सी, बेसिट्टा निकली, कोई हल नहीं होया। फिर दूजी मीटिंग शामी 5 बजे तो बाद की गई, उस दे विच सिक्ख्या सकत्तर भी मौजूद रहे, सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला भी मौजूद रहे, एजी अतुल नंदा भी मौजूद रहे, क्योंकि एजी अतुल नंदा की ही जिम्मेदारी जो है अदालत ने लगाई है कि मिल बैठ के मसले का हल कर लिया जाए। तो उस तो बाद उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कुछ निष्कर्ष निकलिया, कि नतीजा निकलिया इस मीटिंग का और कि कुछ कहा गया है, आओ सुनते हैं डिटेल के नाल। एक दूसरे दे पॉइंट ऑफ व्यू नूं समझिया, हुण असी इन्हां नूं इनपुट्स लैके सैकटरी साहब और असी अपना होमवर्क करांगे, असी इन्हां नूं एक सल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करांगे, जिहदी एग्रीमेंट करनी ना करनी पेरेंट्स दे और स्कूल मैनेजमेंट दे हाथ च होएगी। वी एज एन एडवाइजर, एज अ रेगुलेटर, एज अ वेलफेयर स्टेट विल ट्राई एंड सजेस्ट देम अ रेजोल्यूशन विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पंजाब एट लार्ज इन दिस पैंडमिक। ते मुद्दे की बात दे विच इसे मुद्दे ते चर्चा करांगे, लेकिन इस मुद्दे दे नाल जुड़े हुए कुछ सवाल भी ने, उन्हां सवालों ते नजर पावांगे। सवाल नंबर एक स्कूली बच्चों के मापियां ते स्कूलों के विचाले फीस का मुद्दा किवें हल होएगा। सवाल नंबर दो बच्चों के मापियां के वलों दिती जा रही दलील किन्नी कु वाज़ेह। सवाल नंबर तीन दोहां धिरां दीआं दलीलां दे विचाले किसी दलील वजनदार, क्योंकि दोहां धिरां दे वल्लों वख-वख दलीलां दित्तियां जा रहियां ने। मापे कहिंदे ने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन स्कूल
जो प्रशासन वो ये कह रहे हैं कि अध्यापकों दी फीसा देनिया ने मुलाजमान दी फीसा देनिया ने वो असी पैसा कितों कढ़ीए उन्हां दी तनखाहां देनिया ने। सवाल नंबर चार, कोरोना काल के लॉकडाउन के विचारे स्कूली बच्चों के मापियां ते ये बोझ क्यों क्यों पै रहा है इन्हां मापियां ते बोझ। दर्शकों भी सवाल किया गया, दर्शकों को पूछा गया, सवाल भी थोड़ी टीवी स्क्रीन पर होएगा। टीवी स्क्रीन पर सवाल है, कोरोना काल के गुरु घर लंगर वरता की दर्शकों जो सवाल पूछा गया, दर्शकों जो सवाल किया गया है कि स्कूलों के वलों दर्शकों पूछा गया सवाल कि स्कूलों के वलों टीवी स्क्रीन पर आएगा सवाल करो। साढ़े मेहमान भी साढ़े नाल जुड़ चुके ने, मेहमान साढ़े नाल जुड़े ने और मेहमान जो जुड़े ने उस तो पहला असी ये दस दिए कि जो दर्शकों सवाल पूछा दर्शकों के कोलों जो सवाल पूछा से जवाब का इंतजार रहेगा। दर्शकों जो सवाल किया हो कि स्कूलों के वलों मुलाजमान को तनखा देने वाली दलील कितनी को वाजिब है, स्कूलों के वलों मुलाजमान को तनखा देने की जो दलील दी जा रही है कि इसलिए फीसां का बोझ पाया जा रहा है वो कितनी को वाजिब है। साढ़े नाल साढ़े मेहमान भी जुड़ चुके हैं, साढ़े नाल कुलदीप वैद जुड़े ने कांग्रेसी आगू, हरपाल चीमा आगू विरोधी धिर जुड़े ने, श्रोमणी अकाली दल तो भी असी कोशिश करांगे साढ़े नाल मेहमान साढ़े नाल जुड़न, और चरणपाल सिंह बगदी एडवोकेट मापे पक्ष तो जुड़े ने, और त्रिलोचन सिंह चेयरमैन पंजाब स्कूल एसोसीएशन साढ़े नाल जुड़े ने। सब तो पहला साढ़े सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी जी मीडिया से, और सब तो पहला जो गल करूँगी मैं चरणपाल सिंह बगदी जी दे नाल करांगे। मापियां दा पक्ष लगातार रख रहे ने क्योंकि मापे परेशान ने, मापियां दे दे वकील ने हो और उन्हां दा पक्ष जो रख रहे ने की कहंदे ने मापे चरणपाल जी की चाहुंदे ने ओह, और ओ जो उन्हां दी वल्लों दलील दित्ती जा रही है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है दो तीन महीनों तो रुकिया होया, आर्थिक मंदहाली हले चल रही है, जो नौकरी पेशा सन वह भी हजे घरे बैठे ने और जिन्हां दे कारोबार सी वो हजे ठप पे ने, हले गड्डी पटड़ी ते आई नहीं है, की कुछ कहंदे ने, की मंगा ने उन्हें दिया। चरणपाल जी दे नाल मैं गल करूंगी, लेकिन त्रिलोचन सिंह चेयरमैन साढ़े नाल जुड़े ने पंजाब स्कूल एसोसीएशन तो भी, तो त्रिलोचन जी जो दलील स्कूलों के वलों दी जा रही है कि मुलाजमान दी तनखाहां देनिया ने और जो अध्यापक ने उन्हां दी तनखाहां देनिया ने, तुहानूं लगता है कि दलील ठोस है क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने जो जदों एफिलिएटेड हुंदे ने उस वेले रिजर्वड फीस भी हुंदी है, उसका इस्तेमाल अजिहे संकट की कड़ी दे विच कीता जा सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ? ਗਗਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੀ ਟੀ ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦਾ ਸਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ?
गगन जी असी तुहाडे चैनल दे माध्यम नाल भी और रिटर्न च भी बहुत बारी सरकार नूं असी अपील ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। और अज जिहड़ी मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ दे विच उहदे विच भी असी ये मुद्दा रखिया है। ठीक है। ऑलरेडी लिख के भी दे चुके हैं कि साडा जो रिजर्व फंड है सानू दिओ, उहदे नाल जिन्ना भी साडा उहदे नाल सारियां तनखाहां तां नहीं दित्तियां जा सकदियां पर जिन्ना भी साडा उहदे नाल सानू उहदा बेनीफिट हो सकदा असी अपने स्टाफ नूं सैलरी देण नूं तैयार हैं और दे भी रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का कोई भी टीचर और नॉन टीचर सड़कों पर नहीं है कि सानू तनखाह नहीं मिलती पईआं। तुसीं दूजे पासे सरकार का देख लो, अज भी मैं देख रहा सी चैनल के उपर कि चाहे वह टीचर लै लो, चाहे वह बिजली डिपार्टमेंट लै लो, चाहे होर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लै लो, सारे सड़कों पर सानू तनखाह नहीं मिलती। प्राइवेट अदारियां दे विच चाहे वह स्कूल है चाहे होर कोई फैक्ट्रियां आ तनखाह दित्तियां जा रही है। अगर तनखाह किसी भी अदारे दे विच चाहे वह प्राइवेट कोई भी अदारा अगर घट तनखाह किसी नूं किसी ने दित्ती आ ते स्कूलों दे विच भी फीसां कोई पूरियां लैण वास्ते सरकार ने नहीं किया, सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस किया। पर असीं सरकार नूं ये बेनती की है कि कल्ली ट्यूशन फीस लैण दे नाल कल्ले टीचर नूं अगर तुसीं सानूं कहो तनखाह दे दिंदे ओके, बट साडा नॉन टीचिंग स्टाफ है इन्ना बड़ा दायरा है, ड्राइवरज है, कंडक्टर है, आयाज है, माली है, सिक्योरिटी गार्ड है, नंबर ऑफ होर जिहड़े इंपलाइज है, उन्हां करके हाई कोर्ट का रुख करना पिया। अदरवाइज अगर कला सिर्फ अध्यापकों नूं तनखाह देने का मुद्दा होंदा तो हो सकता दोनों धिरां विचाले कोई बहुत वड्डी गल नहीं सी। दूसरा मैं तुहाडे चैनल ते एक गल बहुत क्लीयर कहनी चाहुंदा कि जिहड़ी फीसां दा रेड़के दी गल कीती जा रही है, फीसां दा रेड़का कोई है नहीं, इहनूं सोशल मीडिया ते और न्यूज़ पेपरां च बनाया गया जी। पेरेंट्स नाल साडे संबंध बहुत अच्छे ने लेकिन सर पेरेंट्स दा प्रोटेस्ट करदे होए भी नजर आए सी ना सर, मामला अदालत दे विच इसे तां पहुंचे, अगर सुखाले संबंध हुंदे जे पहले ही टेबल ते बह के गल हो जांदी फिर अदालत तक मामला ना पहुंचदा। फिर मैं तुहानूं एक गल इत्थे क्लीयर करनी चाहुंदा कि स्कूल दे विच अज ते कोरोना महामारी करके अज ये एक सारियां नूं आर्थिक तौर ते प्रॉब्लम आ गई, ये गल जायज है। पर इस तों पहला भी साडे कोले स्कूल दे विच जदों भी मापे आउंदे आ जिन्हां नूं आर्थिक तौर ते परेशानी है, चाहे वह बिडो केस है, चाहे कोई आर्मी का केस है, चाहे कोई गरीब है, असीं उहनूं फीसां दे विच बगैर किसी की परमिशन ले डिस्काउंट दिंदे आ। ठीक है। जे एक स्कूल दे विच 2000 बच्चा पढ़ता 700-800 बच्चे नूं डिस्काउंट दिता होया, तुसीं स्कूलां दा रिकॉर्ड चेक करा सकते हो। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੋਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੂਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਲਗਭਗ 650 crore ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਆਵਾਂ 650 crore ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਗਾ ਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ
आरटी तहत इनफॉर्मेशन दे रही है क्योंकि कह रही है कि कोरोना महामारी का लग्या तो आरटी सारी बंद आ और ना ही वो फंड स्कूलों रिलीज कर ली आ। जेकर फंड रिलीज हो जाए जेकर फंड मिल जाए मैं समझता बहुत सारे स्कूल है जोड़े वो सुखाले हो जाए। बिल्कुल तरलोचन की गल सही है। मैं एक किसी अपनी मैनेजमेंट का फोन आया कि उन्होंने टीचर किस तरह हैरान ने उन्होंने को ज्यादा फंड नहीं होने तो उत्थे यह बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। सरकार को चाहिए कि जो रिजर्व फंड जो स्कूलों का रिजर्व फंड है स्कूलों तुरंत मोड़ देन ताकि मैं समझता प्रॉब्लम का बहुत वड्डी पद्धर से हल हो जाए। ये नाल जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ क्योंकि बहुत सारिया बसा बहुत सारे छोटे वहीकल जोड़े है प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने जो टैक्स आ जो उन्होंने टैक्स लगता सरकार वो टैक्स तुरंत माफ कर दे बहुत वड्डी राहत मिल जूगी स्कूलों को। और दूजा जोड़ा है जिस तरह बिजली के बिल ने गए उन्होंने माफ कर दे उन्होंने वड्डी राहत मिल जूगी ताकि जो स्कूल ने मैं देखा बहुत सारे स्कूल जो है कोऑपरेट करने तैयार ने पर लेकिन सरकार ने किसी भी स्कूल की कोई बाह नहीं फड़ी और ना ही सरकार ने मापिया की बाह फड़ी है। बहुत वड्डी गल है कि मापिया की बाह फड़नी चाहिए सरकार को चाहिए सी जिहड़े जिस तरह होरना सूबे की सरकार अपने लोगों को कितने कोई 5000 दे रहा है कोई 10000 दे रहा है कोई कुछ किस तरह की राहत दे रहा सरकार को भी चाहिए सी कि राहत देनी चाहिए सी ताकि जो मापे ने भी अपनी फीस भरन के योग होंगे। ये दोनों पासे सरकार को चाहिए कि कमेटी अच्छी बना के हुण तक हल हो जाना चाहिए सी। यह मामला हाईकोर्ट च गया गा यह ता ही गया गा गगन जी जेकर पंजाब सरकार सुहिरद नहीं हैगी ईमानदार नहीं हैगी इस मामले का हल कढ़ण दे लई जिहड़ा मैं समझदा कल्ला रिजर्व फंड ही आ इहदे नाल ही बहुत वड्डी प्रॉब्लम का हल हो सकता गा। ट्रांसपोर्ट दे माफी की गल इहदे नाल बहुत वड्डा हल हो सकता गा। रही गल बिजली बिलां दी इहदे नाल बहुत वड्डा मसला हल हो सकता और मैं समझदा जेकर इह होऊगा तां स्कूल जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटियां नेगियां उह भी बच्चियां दी फीस माफ करन नूं तैयार नेगियां सारा एमीकेबली हल हो सकता गा पर लेकिन सरकार जिहड़ी आ ये बिल्कुल सहायता दे नाल बिल्कुल ईमानदारी का काम नहीं कर रही बिल्कुल नेक रीति का काम नहीं कर रही। जेकर नेक रीति का काम किया होंदा तो यह मसले का हल मार्च च निकल आउंदा इहदा मसले का हल जे नहीं मार्च च अप्रैल च निकल आउंदा जे लंबा चल रहा जे हाईकोर्ट ने इंटरफीर करना पै रहा तो माफ करना इहदे विच साडी जिहड़ी आ सरकार की बहुत वड्डी नलायकी सामने आ रही है। लेकिन अगर पिछले अगर एक साल की दो साल की तीन साल की जो अगर बैलेंस शीट की गल की जाए तो लोचन जी को मैं पूछना चाहूँगी और बैलेंस शीट जो है वो रखी गई है सामने पूरी डिटेल है उसकी क्योंकि एक एक अध्यापक जो है तकरीबन 15-20-25 अध्या बच्चों पढ़ाता है तो थोन लगता है कि इन्ना औखा है फीसा कढ़निया इन औखिया फीसा कढ़निया नहीं तनखाह देनिया अध्यापकों दिन औखिया हो गई ने इनिया क्लासेस ने इनिया एक एक स्कूल दिन इन सारिया ब्रांचेस ने चैरिटीज़ के नाल भी कई स्कूल चलते हैं तो लगता है कि इन्ना औखा हो गया काम कि टीचर्स नू मुलाजमान नू तनखाह नहीं दित्तियां जा सकदियां। गगन जी मैं गगन जी फिर तुहानू इह गल दसनी चाहुंदा कि इत्थे वैसे तो मेरी सारी गल चीमा साहब ने मेरा जो मैं जवाब देना सी उन्होंने दे ही दिता पर मैं इत्थे तुहानू इह गल दसनी चाहुंदा भी आपां हमेशा डिबेट दे विच इह कहिंदे भी इन्ना औखा हो गया तनखाह देनी मैटर कल्ला तनखाह देण दा नहीं है मैडम इन्ना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों का हैगा आ बिल्डिंग नू मेंटेनेंस करनी है सारिया गड्डियां खड़िया दी इंश्योरेंस आया सारे स्टाफ दी कल्ली अध्यापकां दी तनखाह नहीं है नॉन टीचिंग स्टाफ अध्यापकां नू भी जांदे ही नहीं ना बच्चे अजे तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे अजे तो ऑनलाइन पढ़ाई हुंदी है बिल्डिंग मेंटेनेंस दा पर सानू तां गवर्नमेंट ने ना बिल्डिंग मेंटेनेंस थोड़ा रुक के भी हो सकती है जे बच्चे दी पढ़ाई ना साडी सरकार ने ना साडी नहीं नहीं ना साड़ी सरकार ने इंश्योरेंस माफ की ना कोई टैक्स माफ किया ना कोई ईएमआई माफ की ना बिजली का बिल माफ किया। मैं तो दिखा सकता है सानू नोटिस ते नोटिस आ रहे हैं बैंक वाले दे बिजली डिपार्टमेंट तो फोन आ रहे हैं अपना बिल जमा कराओ नहीं तो कनैक्शन कट देने इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस मंग रहे हैं बसा वाले कितने जाएंगे ट्रांसपोर्ट वाले। मैं तो तुम्हें फिर कह रहा भी जे कल्ली बच्चों ऑनलाइन पढ़ा के अध्यापकों तनखाह देनी है तो मंथली ट्यूशन फीस ओके है बट होर बहुत स्कूलों के खर्चे ने जिन्ना चिर फीसा नहीं मिलनगियां जिन्ना चिर ठीक है जिन्ना चिर गवर्नमेंट को हल नहीं कढ़ेगी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं होएगी उन्ना चिर दोनों तरह का कोई भी फायदा नहीं होना। सानू तो सारे इकट्ठे होके गवर्नमेंट नाल लड़ना चाहिए कि सानू कुछ ना कुछ दियो ताकि साडे पेरेंट्स का भी फायदा होवे साडे टीचर का भी फायदा होवे ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
एक तो बाद स्वागत है दर्शकों को। जो सवाल किया गया कि स्कूलों के वालों मुलाजमान को तनखा देने वाली जो दलील दी गई है वह कितनी कु वाजिब है, साढ़े नाल साढ़े सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चरणजीत सिंह बराड़ भी श्रोमणी अकाली दल तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है सर थोड़ा। और स्कूल प्रशासन के वालों अलग तो अपना जो है स्कूलों के वालों तर्क दिता जा रहा, अपनी वक्री दलील है मापियां दी। इस सब के दरमियान जो ये भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, रिजर्व फंड जो ने वो सरकार के कोल पे होंगे ने, थोड़ा की रिएक्शन है सर? गगन जी, पहला तो मैं एक गल साफ कर दिया, पता नहीं थोड़ा कोई टैक्निकल प्रॉब्लम होनी है, सब तो पहला तो मैं जुड़िया होया और तुसीं पहली जदों प्रतिक्रिया मंगी सी ते मेरा नाम सही लैण दी बजाय मैं तो आखिया क्योंकि चरणपाल कोई होर बैठा है, चरणपाल ही दस रहे सी। एक मुद्दे की गल करन तो पहला मैं थोनू हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, मैं बार बार थोड़े चैनल नू बेनती करदा कि कृपा करके पंजाब दे विच जिहड़े पगड़ीधारी लोग ने भावें सरदार हरपाल सिंह चीमा साहब ने भावें साहब कुलदीप सिंह वैद ने, कृपा करके सिंह शब्द साडे नावां दे नाल लाया करो। ये अक्सर मैं हर वारी टोकदा, पता नहीं क्यों नहीं थोड़ा स्टाफ समझदा जां क्यों नहीं आपां इस गल दे उत्ते करदे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जिहड़ा पगड़ीधारी सरदार बैठदा उहदे नां दे नाल सिंह जरूर लाया करो, पहली पहली मेरी बेनती। चरणपाल चरणपाल सिंह बगड़ी जो सानू एडवोकेट सन सर, उन्हां ने जुड़ना सी साडे नाल, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 50% ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ? ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਸਰ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਦਣ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਆਪਦਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ MLA ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਪ ਤਰਫਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡੋ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌ ਤਰਫਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਓਗੇ।
चीमा साहब ने भी कहा, चेयरमैन जिहड़े साडे तरलोचन सिंह इन्हां ने भी बड़ियां दलीलां दित्तियां ने। चीमा साहब दा तां प्योरली काम आ भी इन्हां ने, तां इह आपोजिशन दे लीडर ने, इन्हां नूं मौका मिलना चाहीदा है। मैं इन्हां नूं पिछलियां बड़ियां डिबेट दे उत्ते कहिंदा, चीमा साहब तुसीं सियाणे बंदे हो, सारा पंजाब तुहानूं वेखदा है, इह जिहड़ा फीस स्ट्रक्चर है जां स्कूलां दी जिहड़ी मैनेजमेंट दा जिहड़ा अज मसला आपणे सामणे आया, ये बिल्कुल जी कोरोना महामारी आई है, ये सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट किया। साढ़े मिस्टर अतुल नंदा जी की भी तुसी इस तो पहला सुना रहे सी स्टेटमेंट, साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर सिंगला साहब ने भी कहा कि वो कमेटी बन गई है, ये मसला सॉर्ट आउट होना चाहिए, पेरेंट्स नूं भी कोई नुकसान ना हो, स्कूलों की मैनेजमेंट नूं भी कोई नुकसान। सर अदालत क्यों गया फिर ये मसला? सर गगन जी एक मिनट, सरकार की जिम्मेदारी है ना, हरपाल चीमा जी ने भी वही कहा है कि जो रिजर्व फंड है सरकार दे कोल पे है, गगन जी और तिलोचन सिंह जी ने भी वही कहा है, सरकार मदद अपने पद्धर ते नहीं कर सकती सी। गगन जी लेट मी स्पीक जी, चेयरमैन साहब ने स्कूलों बारे कहा जी बसा साडिया खड़िया ने, साडी आ प्रॉब्लम है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैं इन्हां दी गल नाल सहमत हाँ, पर आ जो हालात बने हुए ने, आमदन जिहड़ी हैगी है वह मापिया की घटी है, स्कूलों की घटी है, बाकी जिन्हें भी बिजनेस हाउसिज ने उन्हें सारे की घटी है। मैं मैनेजमेंट को भी बेनती इतने लुधियाना भी की है, मैं धनवादी हाँ सैक्रड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल वाले का, उन्होंने 60% फीस जी उन्होंने पहला फिक्स की 60% फीस की है, वह भी तो बसा चला भी तो अपना टीचर तनखा देंगे ने। मैं ये डिफेंड नहीं करता, मैं समझदा कि जी जे आमदन होएगी तो स्कूल चलणगे, जे आमदन नहीं होगी तो स्कूल नहीं चलणगे। साढ़े मापिया की भी प्रॉब्लम है, मापिया के विचों टीचर भी ने उन्हां स्कूलों के बच्चे, लेकिन ये जो मुद्दे उठाए गए ने कि नॉन टीचिंग स्टाफ का सानू इन्ना खर्चा चाहिए, ये तो चाहिए स्कूल दियां मैनेजमेंट्स नूं कि जेडे प्रॉफिट लैंदियां सीगियां, दबल के प्रॉफिट लैंदे ने साढ़े जेडे प्राइवेट स्कूल्स ने, ये वह अपने प्रॉफिट नूं कट करके बच्चों दियां फीसां भी घटाउण। जिहड़ी इह सरकार की गल करके, सरकार तां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मैं तुहानूं इह दसदिआं बड़े अपने कम्मां कारां दे विच बड़ा इंट्रस्ट लैंदे ने, स्पैशली आ जिहड़ा मुद्दा उठिआ इहदे विच उहनां ने अतुल नंदा जी की भी ड्यूटी लाई सी, एजुकेशन मिनिस्टर की ड्यूटी भी लाई सी, इह सॉर्ट आउट हो जाएगा, इह दोनों धिरां नूं बैठ के सॉर्ट आउट करना पएगा, कुछ फीसां घटाउणियां पैणगियां, कुछ जिहड़ी साडी स्कूलां दी मैनेजमेंट आ उहनां नूं अपने प्रॉफिट सरकार की करूगी। मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, इन्हां ने माफिया दीआं गल्लां करतीआं, फटाफट रेत माफिया कहता, बीज घोटाला कीता, होर तीन चार नाम लैते। यह श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल जो पिछले सारे घोटाले अपनियां करतूतां है आपे ही इत्थे टीवी ते दसण लग जांदे ने। आगे श्रोमणी अकाली दल दे रिप्रेजेंटेटिव बराड साहब अपनियां जिहड़ियां तुहाडियां 10 साल दियां ओह कालियां सर स्कूल ते जवाब दिओ ना, सी ओह ना इत्थे टीवी ते दस्सिआ करो, स्कूल ते जवाब दिओ ना, तुहाडे ढुकदियां ने सारियां सर स्कूल ते वी तां सवाल कर रहे ने। एक मिनट एक गल जी मेरी बेटी, अगर बराड साहब ने चुके ने ना स्कूल दा मुद्दा वी ते चुके उहनां ने, उसदा जवाब ते दिओ। सवाल उठाया सी, सरकार दी जिम्मेदारी कित्थे आ सर? गगन जी सरकार दी पूरी जिम्मेवारी है, सरकार अपनी तनदेही नाल इस मसले नूं सॉर्ट आउट कर रही है। एक मिनट जिहड़े ब्रांच सरकार अदालत जा रही है सर, सरकार अदालत जा रही है, गल के है मीटिंग करा रही है सरकार, रिजर्व्ड फंड किथे है सर? गगन जी एक मिनट मैनूं कंप्लीट कर लैण दिओ, ब्रांच साहब ने फंड्स दी गल कीती है, इन्हां नूं कहो हरसिमरत भैण जी नूं कहण के जिहड़ा सेंटर साडा हाले वी 4600 करोड़ रुपया लै के बैठा, सारी गल सेंटर ते किवें सिट सकदे हो? जे मैनेजमेंट सुणो इह इक घर वाला, जे मैनेजमेंट स्कूलां दी नूं प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब सरकार नूं भी फंड्स दी प्रॉब्लम आ रही है, इह सेंटर सरकार जिहड़ी बणी उत्थे बैठी है, जिहड़े अकाली दल वाले भाई वाले इन्हां नूं कहो सानूं पैसे दे। पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मुद्दा बहुत क्लीयर है, इहनूं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर दे। ब्राड साहब, मैं गगन जी मेरे बड़े भरा ने कुलदीप सिंह वैद साहब बड़े वड्डे अफसर रिटायर होए है, 10 साल प्राइम पोस्टा ते रहे है, किते कोई एक फाइंडिंग किते नोट होवे जिथे जिथे किते भी कोई 19-21 सरकार दे विच होई होवे, कृपा करके ओ सामने लिया सकदे आ जे कोई होण। इस करके इह दीआं गल्लां
दसा साल की होया पंजा साल बाद दुबारे चुन के आए सी वैद साहब, ये भी थोनू मैं दस दिया। और इस बारी जे फतवा दिता तो वक्री गल है। मेरा सवाल थोनू यह है कि कृपा करके ये दसो कि स्कूलों की सरकार की मदद करती है। 6,000 करोड़ रुपए का डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड थोड़े को पिया, प्राइवेट स्कूलों का फंड थोड़े को पिया, और हाई कोर्ट को जाने तो बिना तुसी कोई एक कोई कमेटियां नहीं बना सकते कि किहड़े स्कूल का किन्ना खर्चा है। मैं दावे नाल कह सकदा कि सारिया प्राइवेट मैनेजमेंटा स्कूलों दियां नो प्रॉफिट नो लॉस से चलाउण नूं तैयार है। एक पासे सरकार आपां कह रहे हैं कि सारयां नूं तनखाह जरूर दिओ, एक पासे कहने फीसां ना होण, फीसां देण वाले बेचारे वो कम नहीं कर सकते, उन्हां कोले कम करन लई जगह कोई नहीं, उन्हां दी सरकार मदद कोई नहीं करदी। इहदा हल की हैगा? SDM लैवल ते कमेटियां बनन, सारिया धिरां नूं बुलाया जावे, हर स्कूल की वक्रो वक्री कमेटी बना के उन्होंने बुला के हल निकल सकता है। पर सरकार कुछ करे तो है ना, सरकार तो जो मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ मता पा देंगे। वैद साहब 5600 करोड़ रुपए का कपला होया, थोड़े MLA मंत्रियों ने कहा 4000 करोड़ रुपए का माइनिंग दे विच होया। जे एडे एडे हजारा करोड़ के कपले ना करते तो यह स्कूलों की मदद भी हो सकती सी, गरीबों की हो सकती सी। इस करके लोग मुद्दे उठाना साडा धर्म है और उठावे। जे कुछ साडे वाले गलत होया, मैं वैद साहब चैलेंज करता है, सरकार जो चाहे इंक्वायरी कर सकती है, सरकार जो चाहे कार्रवाई कर सकती है। ये 3.5 साल हो गए, हुण बंद करो, 10 साल च आ होया ते आ नहीं होया, ए ड्रामेबाजी बहुत अचर हुण चलनी नहीं है। लोकां नूं लोकां दीआं गल्लां दा जवाब दिओ। सर जिहड़ी सिख्या सकत्तर, सिख्या मंत्री, AG, मापिआं दे वकील, इन्हां सब दी जिहड़ी मीटिंग होई स्कूलां दी, वी जो अज मीटिंग हो रही है, और यह भी कहा गया अतुल नंदा जी नूं भी सुनिया, उह कहिंदे ने कि जरूरत पई तां होर मीटिंग्स करांगे, जल्दी मीटिंग्स करांगे और हल हो। तुहानूं लगदा कि इन्हां मीटिंग्स दे करके हल निकल पाएगा? बिल्कुल गगन जी, बिल्कुल हल निकलेगा। नहीं बराड़ जी, हल जी बराड़ जी, मैं आऊंगी थोड़े कोल, बराड़ जी कोल सवाल सीगा मेरा, तुहानूं लगदा कि मीटिंग्स दा हल निकल पाएगा? मैं बेनती इह करदे आं गगन जी हल धरती तो करना शुरू होना, हुण हरेक SDM लैवल ते कमेटियां जिहड़ियां सौखा कर सकदियां, DCs नूं इह फंड जारी करन, कोई 20-30 करोड़ हरेक DCs नूं, SDM कमेटियां नूं बुलावे, पेरेंट्स नूं बुलावे, मौके ते हल निकल सकदा। हर स्कूल दा जेनुइन खर्चा किन्ना है, जे कोई घटा के भी तनखाह देनी है किन्नी देनी है, घटा के भी फीस लैनी है किन्नी लैनी है, कौन उहनां चों देण जोग रहा? इत्थे चंडीगढ़ च बैठे की फैसला करनगे? चंडीगढ़ च तां जिवें अगे 12 मंत्रियों ने एक मता पाता सी, उहदा फैसला जिहड़ा सीगा इक लंच च निबड़ गया सी। इस करके चंडीगढ़ धरती तो कम करना शुरू करे, सरकार दे वाकया ची कोई करना चाहनी है तो नहीं सिरे ते नहीं चढ़ना इहनां दा काम। अरे वैद साहब, एक मैनूं गल अज बड़ी खुशी हुई है कि बराड़ साहब ने रेते दा कपड़ा तां मान ही लिया। मैं वैसे मुद्दा उठाउणा नहीं चाहुंदा क्योंकि बराड़ साहब ने कहा है कि कोई मन्निया नहीं, तुहाडी सरकार दा है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰੇਤੇ ਚ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਫ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸਰ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਸਰ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਰੇਤੇ ਲਈ, ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਵੇਗਾ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਗਗਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ
तो उस टाइम पोलिटिकल गल जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्कूलों की गल ही होनी चाहिए है जी। दूसरी गल सरदार चरणजीत सिंह बराड़ ने एक गल जी कही है कि कमेटी बन जाए, यह पता किया जाए भी पेरेंट्स वालों किन्नियां क परसेंट फीसा दी गई ते किन्नियां क परसेंट सैलरियां दी गई। मैं बराड़ साहब के नाल बिल्कुल सहमत हाँ, सानू कोई स्कूलों वाले इतराज नहीं, डीसी लैवल से सरकार लैवल से जिदे मर्जी कमेटी बने वो चैक कर रहे कि पंजाब दे विच स्कूलों नू किन्ने परसेंट फीसा आई हैं और किन्ने परसेंट सैलरियां गई हैं। सर बनाओगे कमेटी? सारी गल क्लीयर हो जाएगी सर, सरकार बनाओ कमेटी वे सर। देखो कमेटी का सरकार ने सानू विच कोई इतराज नहीं। मेरी मेरी एक मिनट गल पूरी हो लैण दे, क्योंकि मैं ये गल माइनिंग की चल पई सी, दूजे पासे होर पासे चल पई सी, क्योंकि पोलिटिकल इशू पार्टियां दे अलग ने। हुण इस टाइम पंजाब दे बच्चों के फ्यूचर की गल चलती पई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिवें बैस साहब ने भी कहा कि स्कूल मैनेजमेंट का भी सुनना पेगा, पेरेंट्स का भी सुनना पेगा, बच्चों का भी सुनना पेगा। मैं तुहाडे चैनल के माध्यम ना सरकारां नू एक अपील करना चाहना, बेनती रिक्वेस्ट बड़े हंबल तरीके ना, कि जे प्राइवेट एजुकेशन नू सस्ती करना है तो सरकारां नू पहलकदमी करनी चाहिए है। स्कूल ना जो भी रिलेट, ये मैं केंद्र सरकार की भी गल करदा, कल्ली पंजाब सरकार की नहीं, जो भी स्कूल ना रिलेटड चीज़ा, चाहे वह ड्रैस है, चाहे वह बुक्स है, चाहे वह बसा, तुहानू मैं इत्थे चैनल च दसना चाहना, हर साल एक बस जिहड़ी है प्राइवेट जिहड़ा कोई कंट्रैक्टर बस पाउंदा है 1.5 to 2 lakh हर साल बस महंगी मिलती है। जे पिछले साल चैसी 8 lakh की सी, ऐतकी 9.5 lakh की चैसी बिक रही है, सरकार का कोई उत्ते वो नहीं है। जे इंश्योरेंस पिछले साल 30,000 की सी, ऐतकी प्राइवेट बसा की 45,000 रुपई है। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल सारा साल महंगा हो रहा, डीजल सारा साल महंगा हो रहा, इंश्योरेंस सारा साल महंगी हो रही। तुसी ना सा जे एक बैग बच्चे ने बैग लैके स्कूल जाना, जे 2,000 का बैग है गौरमेंट को चाहिए कि 200 रुपए का बैग कर दो। पेरेंट्स को सस्तियां चीज़ा तो गौरमेंट ने देनिया। आप सारी गल स्कूलों वाले से पा देने, बराड़ साहब ने बहुत वधिया कहा गल, सरकार ये चाहिए कि जे स्कूलों वाले भी मां बाप साढ़े तो कोई बाहर नहीं है, कोई भी मां बाप, मैं बिल्कुल अपने इस गल नू चैलेंज ना कहना, साढ़े कोई मां बाप आवे जिन्हों कोई दुख तकलीफ है, जिदा इस कोविड के बिच कोई नुकसान हो गया, बिजनेस खराब हो गया, उन्हों कोई सैलरी घट मिली है, प्रोटेस्ट क्यों कर देने सर पेरेंट्स? प्रोटेस्ट मैडम देखो मैं फिर दस रहा हाँ। प्रोटेस्ट जेड़े है कुछ भी जेड़े शरारती अंसर है ना अपने सर, मापे नू मापे ने सिद्धा करन वास्ते सर, मापे ने शरारती अंसर कितों आ गए फिर तुसी पेरेंट्स नू मगर लाया जा रहा वै जी। मैनेजमेंटा और स्कूलों का, मैनेजमेंटा और पेरेंट्स का कोई झगड़ा नहीं, उन्हां नू मगर लाया जा रहा। 90% पेरेंट्स नू तां पता भी कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हां नू मगर लाया जा रहा कि तुसीं आओ। सोशल मीडिया से गलत फैलाया जा रहा एजुकेशन, जिन देश का भविख संवारना आपां उन्हूं माफिया वर्ड, साढ़े सारे दे बच्चे स्कूलों च पढ़ रहे हैं, ये मंदिर है, इत्थे चैनल ते बह के लोकी मंदिर नू गालां दे रहे हैं, ये तो गुरुद्वारा है, ठीक है। असीं तां कहिंदे आ कि बच्चे मां बाप साढ़े कोल आउण, जिहदी जेन्यून प्रॉब्लम है असीं सुणांगे। मैं दावे नाल गल कहिंदा, असीं हर एक दी सुणांगे। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਸਲਾ? ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਗਗਨ ਜੀ 2% ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 2-3% ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੈਚ ਸਰ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਵੈਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਚੈਸੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਸਰ ਬੱਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੈਦ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਮਾ ਸਰ? ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁੱਦਾ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਆਪਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰ। ਬਰਾੜ ਸਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਮਾਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੰਡ 500 ਕਰੋੜ ਆ, 400 ਆ, 600 ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੋ ਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਗੇ ਇਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ 33% ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਹੀਂ 60% ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।